स्वाइप एंड दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। सबसे पहले आप लोगों के नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं इस साल आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो मिल सके और ये चैनल आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिससे कि आपको हेल्प होगा एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए तो मेरा पहले का चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को आप सपोर्ट करें ताकि जो भी लोग हिंदी में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनको इस चैनल के थ्रू मिल सके, तो प्लीज सपोर्ट करें। यहाँ पे हम बात करेंगे जेईई मेंस का करंट सिचुएशन के बारे में कि फर्स्ट अटेम्प्ट का पोस्टपोनमेंट हो सकता है या सेकंड अटेम्प्ट का या नहीं, एडमिट कार्ड का क्या सिचुएशन है, कब मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट 75% क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का। इसमें कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि अभी तक कुछ भी इस पे ना डिस्कशन हुआ है ना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, तो ये श्योरली होने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट क्योंकि डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिट कार्ड कब अनाउंस होगा, तो 12 से लेके 14th ऑफ जनवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है 16 तक भी जाए क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड का डेट के बारे में। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 75% क्राइटेरिया। जैसा कि आपको पता है एलएन के डायरेक्टर ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर चुके हैं इसके बारे में और वो आश्वस्त हैं कि ये 75% क्राइटेरिया रिमूव होगा और मेरे को भी ये लगता है कि 75% क्राइटेरिया कन्फर्म हट जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इससे प्रॉब्लम होगा और जिससे कि एडमिशन प्रोसेस में इफेक्ट आएगा, बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे जो कि नॉन सीएससी सीट है वो खाली रह जाएंगे, तो उनको सारा सीट भरना है इसलिए वो अलाउ करेंगे। तो अभी आप लोग अगर आपके पास 65% अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो नहीं है, अगर 75% नहीं है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम आप दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम देने के बाद डिसाइड होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस में 75 वाले को देना है या 65 वाले को देना है या नहीं। तो अभी हमको लगता है ये 100% हट जाएगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। अगर बाय चांस अगर 0.1% चांस रहता है कि नहीं हटता है तो उसके लिए भी आपका जेई का स्कोर यूजफुल होगा अदर काउंसलिंग में, जो भी अक्रॉस इंडिया जितने भी हैं वो सारे में आपको ये हेल्पफुल होगा। यह स्कोर से आप अदर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पे कि 75% क्राइटेरिया नहीं है, बहुत कम परसेंटेज पे वो एडमिशन ले लेते हैं। तो ये था जेईई मेंस का करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कशन। फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, तो प्लीज इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को शेयर करें। इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला उसके बारे में कुछ अगर आपके मन में है या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है इन्फॉर्मेशन तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि दूसरे लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।